आजादी का सफर के आज के संस्करण में हम स्वतंत्रता सेनानी अवध बिहारी को याद कर रहे हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश और पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। हम स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद और लेखक रमेश चंद्र झा को भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम उस समय को भी याद कर रहे हैं जब महात्मा गांधी ने देश के तथाकथित अछूत समुदाय की दशा को उजागर करने के लिए 21 दिनों का अनशन किया था। आज हम अवध बिहारी को याद करते हैं। उन्होंने पंजाब और उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। अवध बिहारी रास बिहारी बोस के संपर्क में आए और 23 दिसंबर 1912 को वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने की साजिश में शामिल हुए। उन्होंने 17 मई 1913 को लाहौर के लॉरेंस गार्डन में बम विस्फोट में भी प्रमुख भूमिका निभाई। इसके अलावा वो जनता के बीच राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाने के लिए लिबर्टी नाम के पर्चों को लिखने और प्रकाशित करने में भी सक्रिय रूप से शामिल थे। उन्हें फरवरी 1914 में गिरफ्तार कर लिया गया। अवध बिहारी पर वायसराय हार्डिंग की हत्या की साजिश रचने और लाहौर के लॉरेंस गार्डन में बम विस्फोट करने का आरोप लगाया गया था। 8 मई 1915 को उन्हें दिल्ली सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया। देश के वीर सपूत अवध बिहारी को नमन। हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भाई बाल मुकुंद को भी याद करते हैं। वो स्वतंत्रता सेनानी और गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य भाई परमानंद के चचेरे भाई थे। भाई बाल मुकुंद का जन्म 1889 में झेलम जिले में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। वे सिखों के इतिहास में जाने माने शहीद भाई मतीदास के परिवार से थे, इसीलिए उनके नाम के साथ भाई शब्द जुड़ गया। भाई बाल मुकुंद की राष्ट्रीय आंदोलन में रुचि तब पैदा हुई जब वे छात्र थे। स्नातक की पढ़ाई के बाद उन्होंने अध्यापन किया, लेकिन अपनी राष्ट्रवादी भावनाओं की वजह से वे स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। 23 दिसंबर 1912 को जब लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली में 1 मार्च में चांदनी चौक से गुजर रहे थे, तो उन पर बम फेंका गया। वायसराय को केवल मामूली चोटें आईं, लेकिन उनके परिचारक की मौत हो गई। 5 महीने बाद 17 मई 1913 को लाहौर के लॉरेंस गार्डन में कुछ यूरोपीय लोगों पर भी एक और बम फेंका गया। जांच के बाद भाई बाल मुकुंद को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया। उस समय वे जोधपुर महाराजा के पुत्रों के शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। बम विस्फोटों की जांच के बाद दिल्ली में उन पर मुकदमा चलाया गया और भाई बाल मुकुंद को मौत की सजा सुनाई गई। उन्हें 8 मई 1915 को अंबाला सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। देश के महान सपूत भाई बाल मुकुंद को हमारा शत शत नमन। हम आज स्वाधीनता सेनानी और लेखक रमेश चंद्र झा को भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 8 मई 1928 को बिहार के मोतिहारी में हुआ था। उन्होंने कविताएं, गजलें, कहानियां और उपन्यास लिखे। उनके लेखन में देशभक्ति की भावना भरी है, जिसने लोगों को अंग्रेजों से लड़ाई के लिए प्रेरित किया। रमेश चंद्र झा के पिता लक्ष्मी नारायण झा जाने माने देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी थे, जिन्हें अंग्रेजों ने कई बार गिरफ्तार किया था। लक्ष्मी नारायण झा तब भी गिरफ्तार किए गए थे जब महात्मा गांधी सत्याग्रह के लिए चंपारण आए थे। रमेश चंद्र विद्यार्थी नेता बन गए और अंग्रेजों के विरुद्ध प्रदर्शन करने के कारण स्कूल से बर्खास्त कर दिए गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए उन्हें जेल भेजा गया। कैद में रमेश चंद्र ने भारतीय साहित्य की पढ़ाई की और इस प्रकार स्वाधीनता के बाद कविताएं, गजलें और उपन्यास लिखने लगे। उनकी प्रमुख पुस्तकों में भारत देश हमारा, जय भारत जय गांधी, जवान जागते रहो और चलो दिल्ली शामिल हैं। उनका उपन्यास अपने और सपने चंपारण के समृद्ध साहित्यिक विरासत की कहानी है। 7 अप्रैल 1994 को रमेश चंद्र झा का निधन हो गया। इस महान राष्ट्रवादी लेखक को नमन। 8 मई 1933 को महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए 21 दिन का उपवास शुरू किया था। उन्होंने इसे राजनीतिक विरोध की बजाय आत्मशुद्धि के आध्यात्मिक कृत्य के रूप में वर्णित किया। गांधी जी डॉक्टरों की स्वास्थ्य चेतावनी के बावजूद पूरे 21 दिनों तक बिना भोजन के रहे। अनशन अस्पृश्यता की सामाजिक बुराई को मिटाने और इस प्रकार भारत के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के उद्देश्य से एकजुट करने के लिए
जागरूकता फैलाने वाला एक आंदोलन साबित हुआ।